दोस्तों गुड मॉर्निंग। अब अपन बात करते हैं कंटिन्यू में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के। अपने पांच पार्ट हो चुके थे, अब अपन सिक्स या छठे पार्ट की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्त, आपका अपना इंजीनियर पीसी मीना घुसराना। गरीब हुए जो कमज़ोर बच्चे हैं समाज के, वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए निःशुल्क राजस्थान लाइनमैन DMRC आदि की तैयारी के लिए मैं लेके आ गया हूँ ऑनलाइन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वीडियो नंबर 6, जिसमें आज हम पावर, दोस्तों पावर एनर्जी की बात करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल एग्जामों में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पावर। पावर क्या होती है? पावर को कहते हैं अपन शक्ति हिंदी में। क्या कहते हैं? शक्ति। तो दोस्तों अपन पढ़ते आए हैं पावर क्या है, तो कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। वर्क डन प्रति सेकंड, पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड इज नॉन एज पावर, अर्थात कार्य करने की दर को अपन दोस्तों शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर अपन निकाले हैं, शक्ति या पावर बराबर तो कार्य बटे समय, कितने समय में कितना कार्य हुआ है, इसी को अपन दोस्तों क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यहाँ पे शक्ति को अपन पी से डिनोटेट करते हैं, कार्य को डब्ल्यू से डिनोटेट करते हैं, समय को टी से। तो दोस्तों यहाँ पे शक्ति का सूत्र बन गया पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। तो दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू कार्य की इकाई होती है जूल, और समय की सेकंड होती है दोस्तों। तो जो पावर है, शक्ति है, इसकी इकाई यहाँ से क्या बन जाएगी? अब अपन इकाई की बात करते हैं, तो शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकंड। भाई शक्ति क्या है? कार्य करने की दर, तो पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। तो डब्ल्यू की इकाई जूल होती है कार्य की, समय की सेकंड होती है, तो शक्ति की इकाई हो गई जूल प्रति सेकंड। दोस्तों क्या हो गई? जूल प्रति सेकंड, जिसे कि अपन क्या कहते हैं जूल प्रति सेकंड को? वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं बेटा। तो शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकंड या वाट, क्योंकि सबसे पहले शक्ति जेम्स वाट ने खोजी थी, इसलिए इसे इसकी इकाई अपन वाट कह देते हैं जूल प्रति सेकंड को। वाट से बड़ी इकाई होती है किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, छोटी इकाई होती है मिलीवाट। ठीक है दोस्तों, तो मिलीवाट में 1/1000 वाट होते हैं, अर्थात 10^-3 वाट। ठीक है, किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, अर्थात 1 किलो वाट, जिसे अपन कहते हैं। मेगावाट में 10^6 वाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही गीगावाट में 10^12 वाट होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये बड़ी इकाई हो जाती है वाट की। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि शक्ति बराबर अपना न्यूमेरिकलों में अपन पढ़ते हैं पी बराबर वी आई होता है दोस्तों। क्या होता है? पी बराबर वी आई। तो ये कहाँ से आया पी बराबर वी आई, अपना कहाँ से निकला, अपन इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शक्ति बराबर अपना है पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है कार्य क्या है। कार्य जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था कार्य क्या होता है, तो उसको देखते हैं अपन कार्य क्या है। तो कल अपन ने विद्युत विभव पढ़ा था, तो विद्युत विभव क्या था? विद्युत विभव अपना था कि एकांक आवेश को, आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, अर्थात कार्य बटे आवेश। तो वोल्टेज बराबर था डब्लू बटे क्यू। तो यहां से अपन त्रिभुज बनाए डब्लू बराबर वी क्यू, तो डब्लू बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? वी क्यू। और एक अपना होता है आवेश प्रभाव की दर को अपन करंट कहते हैं। करंट बराबर होता है आवेश बटे समय। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था I बराबर Q अपॉन T, तो यहां से अपन त्रिभुज बनाए तो क्या आ जाएगा?
क्यू बराबर आई टी, ठीक है। तो यहां से इससे तीन सूत्र बन जाएंगे, अपन को W बराबर निकालना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा वी क्यू, ठीक है। और यहां से V बराबर निकालना हो तो V को दबा लेंगे, क्या बचेगा W बटे क्यू। ऐसे ही यहां से क्यू बराबर निकालना हो तो आई टी, आई बराबर निकालना हो तो आई को दबा लेंगे क्यू बटे टी, टी बराबर निकालना हो तो टी को दबा लेंगे, टी बराबर हो जाएगा क्यू बटे आई। तो अपन ये शक्ति का अपना दोस्तों सूत्र है पी बराबर डब्लू बटे टी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो अपन यहाँ पर समीकरण एक में यहां से डब्लू का मान रखने पर, डब्लू का मतलब कार्य का मान रखने पर, डब्लू का मान रखने पर, डब्लू का मान समीकरण दो से रखने पर, डब्लू का मान रखने पर, तो अपन यहाँ W का मान रखेंगे P बराबर, W बराबर क्या है वी क्यू बटे टी। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये क्यू बटे टी क्या है, क्यू बटे टी से अपन क्या कहते हैं करंट कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं क्यू बटे टी से, क्यू मानी आवेश, टी मानी समय, आवेश प्रभाव की दर को करंट कहते हैं। तो दोस्तों P बराबर वी और क्यू बटे टी का क्या बन गया आई, तो यहां से अपना P बराबर वी आई निकलता है दोस्तों, P बराबर वी आई कहां से निकलता है, यहां से निकलता है। अब अपन दोस्तों बात करते हैं पावर की आगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ खाया होगा। अब आगे अपन बात करते हैं शक्ति के पांच सूत्रों की, शक्ति के कितने सूत्र बनेंगे, कैसे बनेंगे, और शक्ति की इकाई वाट होती है दोस्तों, बड़ी इकाई की भी बात करेंगे और कमर्शियल इकाई की भी बात करेंगे। शक्ति की कमर्शियल इकाई क्या होती है, व्यवहारिक इकाई क्या होती है, जिसको अपन एचपी भी कहते हैं, किलोवाट भी कहते हैं, इन सब चीजों की अपन बात करेंगे। तो यहां तक समझ खाया होगा। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं पावर का, ये एक सूत्र हो गया, अब और सूत्रों की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं दोस्तों देखो दोस्तों ओम के नियम से वी बराबर आई आर होता है, ये त्रिभुज बन गया ओम के नियम का, और एक ये बन गया पावर का P बराबर क्या है VI, P बराबर VI, जो भी ज्ञात करना है उसको अपन दबा लेंगे, P ज्ञात करना है P को दबा लेंगे, क्या बचा VI, तो P बराबर क्या हो गया दोस्तों VI, V ज्ञात करना है V को दबा लेंगे, क्या बचेगा P बटे I, I ज्ञात करना है I को दबा लेंगे, क्या बचेगा P बटे V। इसी प्रकार यहां से V ज्ञात करना है P को दबाएंगे, क्या बचेगा आई आर, आई ज्ञात करना है आई को दबा लेंगे, क्या बचेगा बेटा V बटे आर, आर ज्ञात करना है आर को दबाएंगे तो क्या बचेगा वी बटे आई। इस प्रकार इनके तीन तीन सूत्र बन जाते हैं। तो अपना पावर का जो मेन सूत्र है वो क्या है पी बराबर वी आई। तो अपन इसमें पहले एक बार वी का मान रखेंगे एक बार आई का, तो सबसे पहले वी का मान रखने पर, वी का मान रखने पर अपन यहां से वी का मान इसमें पुट कर देंगे दोस्तों, तो वी की जगह क्या लिख देंगे आई आर, तो V की जगह आई आर गुणा आई यहां पहले से है तो क्या हो जाएगा आई इंटू आई आई स्क्वायर आर। तो ये पावर का पहला सूत्र है दोस्तों, ये पावर का दूसरा सूत्र आ गया P बराबर आई स्क्वायर आर। अब आगे बात करते हैं अपन, अब इसी में अपन आई का मान रखते हैं यहां से, समीकरण एक में आई का मान रखने पर, समीकरण एक में दोस्तों आई का मान रखने पर, तो पी बराबर वी आई, तो आई की जगह रख देंगे वी, और आई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों यहां से आई का मान क्या है, यहां से आई की जगह क्या रख देंगे वी अपॉन आर, तो यहां से पावर का सूत्र बन जाएगा वी स्क्वायर बटे आर। तो दोस्तों ये पावर का तीसरा सूत्र हो गया, ये पावर का कौन सा सूत्र हो गया दोस्तों तीसरा सूत्र हो गया। तो इन तीन सूत्रों की सहायता से अपन कोई भी न्यूमेरिकल अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इतने सप्लाई से इतने प्रतिरोध का बल्ब जुड़ा है तो उसकी पावर क्या होगी, तो डायरेक्ट सप्लाई का स्क्वायर करके प्रतिरोध का भाग दे देंगे तो अपनी सीधी पावर आ जाएगी। ऐसे ही कई जगह करंट प्रतिरोध दिया होता है, पावर पूछ लेते हैं, तो इसमें अपन को फिर ये सब कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सवाल इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पावर के तीन सूत्र हैं। चौथा जो अपना सूत्र था वो पावर का था ही W बटे टी, P बराबर W बटे टी, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, चौथा सूत्र ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पावर के चार सूत्र हैं, आशा करता हूँ आपके समझ आए होंगे। इससे आगे बात करते हैं पावर की इकाई की दोस्तों, पावर की इकाई क्या होती है।
ठीक है, कमर्शियल इकाई नोट करना है, नोट कर लो। अब देखो पावर की कमर्शियल इकाई की अपन बात करते हैं, ठीक है। अब आगे और भी सूत्र हम बनाने चाहें तो इसे बना सकते हैं दोस्तों। जैसे आगे हम सूत्र बनाए कि R बराबर क्या होता है, चूंकि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था R बराबर क्या है, 1/g, या g बराबर क्या है, 1/r, मतलब प्रतिरोध के विलोम को चालकता कहते हैं ना, तो चालकता प्रतिरोध के विलोम हो गई, तो अपन इसमें R का मान रख सकते हैं दोनों समीकरणों में। तो समीकरण दो में R का मान रखने पर नए सूत्र बनाए जाओ, कितने ही बना लो, इनसे क्या है, कितने ही सूत्र बना लो। तो समीकरण दो है P बराबर I स्क्वायर R, तो R की जगह अपन रख देंगे 1/g, तो पावर का नया सूत्र निकल आएगा I स्क्वायर बटे जी। तो दोस्तों ये क्या हो गया, पावर का एक नया सूत्र आ गया P बराबर I स्क्वायर बटे जी, ये पांचवा सूत्र हो गया। ऐसे ही समीकरण अगर तीन में, समीकरण तीन में R का मान रखें, R का मान रखने पर तो समीकरण तीन में क्या आ जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बाई R का मान रखेंगे 1/g, तो G ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, V स्क्वायर G। तो ये पावर का P बराबर V स्क्वायर G, ये छठा समीकरण आ जाएगा। अर्थात पावर के इस तरीके से 6-7 फॉर्मूले हो जाते हैं। अब अपन दोस्तों पावर की इकाई की बात करते हैं। देखो पावर की इकाई, तो वैसे तो पावर की इकाई की बात करें तो P कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, तो जूल प्रति सेकंड होती है। P बराबर WT सूत्र से कार्य करने की दर से पावर की इकाई जूल प्रति सेकंड तो होती है, या इसे अपन क्या कह देते हैं, वॉट, वॉट या वॉट से बड़ी किलोवाट होती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये तो पावर की इकाई होती है। उसके बाद अपन बात करें कमर्शियल इकाई की, कमर्शियल इकाई क्या होती है पावर की, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब है व्यावसायिक इकाई। तो दोस्तों व्यावसायिक इकाई पावर की HP होती है। तो अपन बात करें व्यावसायिक इकाई पावर की क्या होती है, HP, जिसे कि अपन हॉर्स पावर या अश्व शक्ति कहते हैं। हॉर्स पावर जिसे कि अपन क्या कहते हैं हिंदी में, अश्व शक्ति, ये पावर की कमर्शियल यूनिट होती है। और अपन से कई बार पूछा भी जाता है 1 HP बराबर क्या होता है, तो 1 HP बराबर बेटा दो चीजें होती हैं, एक होती है मीट्रिक और एक होती है ब्रिटिश। तो मीट्रिक में 1 HP बराबर 733.5 वाट होता है दोस्तों। और अगर अपन बात करें ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश में दोस्तों 1 HP बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। और अपन सभी न्यूमेरिकल इसी से करते हैं इंडिया में, आप तो ये मानो इंडिया इसी को फॉलो करता है। और अपन जब 1 HP में न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन 746 वाट से ही करते हैं। अब अपन बात करें, कोई अपन से पूछा है 1 kW में कितने HP, 1 kW में कितने HP होते हैं, तो बेटा इसमें भी वही दो चीजें आएंगी, एक तो आएंगी मीट्रिक और एक आएगी ब्रिटिश। तो मीट्रिक की बात करें तो 1 kW का मतलब 1000 में 735.5 का भाग दे देंगे, तो 1 kW में अपने HP निकल आएंगे मीट्रिक में। मीट्रिक में अपन जब 1000 में 735.5 का भाग देंगे तो अपना आ जाएगा दोस्तों 1.35। तो 1 kW में कितने HP होते हैं, 1.35 HP होते हैं। 1 kW लोड है तो अपन कहेंगे, अपनी मोटर जब 2 kW की है या 1 kW की मोटर है तो अपन कहेंगे 1.35 HP की मोटर है। अब 1 kW में अपन HP निकालें ब्रिटिश में, 1 kW में कितने HP हैं ब्रिटिश में, ब्रिटिश यूनिट की बात करें तो दोस्तों ब्रिटिश यूनिट में क्या हो जाएगा, वही 1000 में 746 का भाग दे देंगे, तो ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या थी, तो इसमें आ जाएंगे 1.34 HP दोस्तों, क्या आ जाएंगे 1.34 HP आ जाते हैं। अब दोस्तों वही 1 kW में पूछ रहा है, वो 1 W में पूछे, 1 W में कितने HP होते हैं, केवल वाट में 1 W में
कितने एचपी होते हैं, केवल वाट में पूछे दोस्तों, एक वाट में कितने एचपी होते हैं, तो एक किलो वाट में 1.35 हो रहे हैं, तो उसमें गुणा कर देंगे 1.35 इंटू 1000, तो ये एक वाट में एचपी आ जाएंगे, तो अपन इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे अपने 0.00 1350, तो अपने क्या आ जाएंगे, एक वाट में कितने एचपी हैं, 0.00 1350, 0.00 क्या आ जाएंगे, 1350 एचपी। ये बात कर रहे हैं दोस्तों एक वाट की, केवल किलो वाट की बात करें तो 1.35 ही आएंगे, मीट्रिक में ब्रिटिश में 1.34 एचपी आएंगे, परंतु केवल एक वाट में। अब एक वाट में ये था मीट्रिक एचपी, एक वाट में कितने मीट्रिक एचपी है, तो इतने। अब ब्रिटिश की पूछे तो ब्रिटिश में कुछ नहीं बेटा, जो ब्रिटिश का आ रहा है 1.34 इंटू 1000 कर देंगे तो इसमें आ जाएंगे 0.00 1341 या 40 एचपी, ये एक वाट में अगर पूछे तो। तो दोस्तों ये कमर्शियल यूनिट की पावर की वैसी यूनिट होती है जूल सेकंड वाट किलोवाट, और कमर्शियल यूनिट होती है एचपी, हॉर्स पावर जिसे कहते हैं, और एचपी में एक एचपी में मीट्रिक में 735.5 वाट होते हैं दोस्तों, और ब्रिटिश में 746 वाट होते हैं दोस्तों। तो ये था पावर की इकाई। अब अपन बात करते हैं पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, और पावर को किससे मेजर करते हैं, ये इकाई हो गई। तो अपन पावर को किससे नापेंगे, परिपथ की, कोई किसी परिपथ की पावर नापनी है दोस्तों, तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा पावर का, तो अपन पावर के मेजरमेंट की बात करते हैं दोस्तों। पावर का मापन, तो पावर का मापन किससे करेंगे, इकाई अपन को पता है जूल प्रति सेकंड वॉट होती है, व्यवहारिक या कमर्शियल यूनिट है या व्यवसायिक यूनिट है जो एचपी होती है बेटा, और एक एचपी में कितने वाट किलोवाट होते हैं, एक किलोवाट में कितने एचपी होते हैं, एक वाट में कितने एचपी होते हैं, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो अब बात करें मापन की, पावर को कैसे मापेंगे, पावर से, पावर का मेजरमेंट किससे करते हैं, तो पावर को कैसे नापते हैं दोस्तों, पावर नापने की एक डिवाइस होती है जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर, किसे कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से पावर नापते हैं। अगर सिंगल फेज की पावर नापनी है तो एक वोल्ट मीटर से नाप लेंगे, ठीक है, एक वोल्ट मीटर से नाप लेते हैं। वोल्ट मीटर में भी बेटा दो कोयल होती है, एक करंट कोयल होती है, एक प्रेशर कोयल होती है, सीसी और पीसी। तो करंट कोयल तो फेज के श्रेणी में लगती है, करंट कोयल फेज के श्रेणी में लगाते हैं, फेज के श्रेणी में जोड़ देते हैं, और पीसी को फेज वे न्यूट्रल के बीच में संयोजित जोड़ देते हैं, अर्थात समांतर में लगा देते हैं कोई भी परिपथ में प्रेशर कोयल को, तो वह एक फेज की वाट बता देगा। तो एक फेज की वाट एक वाट मीटर से याद करते हैं। अगर अपनी थ्री फेज की पावर है तो अपन को, अगर संतुलित लोड है अपना थ्री फेज का, संतुलित लोड है, संतुलित लोड का मतलब है दोस्तों बैलेंस, अगर अपना थ्री फेज का बैलेंस लोड है तो एक वोल्ट मीटर गुणा तीन कर देंगे तो तीनों फेसों की अपनी पावर आ जाएगी। अगर अनबैलेंस लोड है दोस्तों, बात करें अनबैलेंस असंतुलित लोड है, ऐसा लोड है दोस्तों असंतुलित लोड है, तो असंतुलित लोड को या अनबैलेंस लोड को, अनबैलेंस लोड को अपन दोस्त नापने के लिए तीन वाट मीटर की आवश्यकता होती है। कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है दोस्तों, तीन वाट मीटर की। तो अपन पावर का मेजरमेंट किससे करते हैं दोस्तों, वाट मीटर से करते हैं। अब अपन बात करते हैं पावर के कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे घरों में घरेलू डिवाइस कैसे जुड़ी रहती है, टीवी, कूलर, पंखा, CFL सब एक दूसरे से कैसे लगी रहती हैं, घरेलू डिवाइस बेटा समांतर में लगी रहती हैं, समांतर में लगी रहती है। और जब कुल पावर ज्ञात करनी होती है अपन को, कुल पावर समांतर में और श्रेणी में, ठीक है, तो कुल पावर समांतर परिपथों में सभी डिवाइसों की पावर को जोड़कर निकालते हैं,
समांतर में कुल पावर सभी डिवाइसों की पावर को जोड़ के निकालते हैं, अर्थात कुल पावर निकाल लिए समांतर परिपथ की, तो P1 P2 P3 ऐसे जोड़ देते हैं, जितने भी डिवाइस हैं उन सब की पावर को जोड़ देंगे तो कुल पावर आ जाएगी। और समांतर में बेटा समांतर परिपथों में ज्यादा वाट का बल हमेशा ज्यादा प्रकाश देता है, हमेशा अधिक ज्यादा प्रकाश देता है, अर्थात अधिक वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देता है, परंतु श्रेणी क्रम में इन सबके विपरीत होता है, जो कि अपन अभी बात करते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में अगर अपन को पावर निकालनी है, एक से अधिक डिवाइस लग रही है, तो उनकी पावर सभी पावरों पे सभी डिवाइसों की पावर को जोड़ के निकालेंगे। और समांतर क्रम में हमेशा ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है, परंतु श्रेणी में जस्ट इसका अपोजिट होता है। दोस्तों अभी अपन बात करते हैं श्रेणी की, तो पावर के भी दो परिपथ हो गए, एक श्रेणी और एक समांतर। अभी दोस्तों अपन श्रेणी समांतर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन अपना एक टॉपिक है जो रह गया है, अभी अपन उसको पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन आए तब अपन डिस्कस करेंगे। अब अपने पास दोस्तों दो बल्ब हैं, अपने पास दो बल्ब हैं, एक 40 वाट का है, एक 60 वाट का है, ठीक है, और ये अपन ने 230 वोल्ट या 220 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिए हैं, और ये इनमें करंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया श्रेणी परिपथ। और जब ये दोनों बल्ब इस प्रकार जुड़े हो, एक 40 वाट का और एक 60 वाट का सप्लाई से इस प्रकार जुड़े हो 220 वोल्ट की से, तो ये कहलाता है समांतर क्रम। ये क्या कहलाता है दोस्तों? समांतर क्रम। तो यहाँ पे कुल पावर निकालेंगे अपन, कुल पावर निकालेंगे तो कुल पावर PT बराबर P1 प्लस P2 दोनों बल्बों के योग के बराबर होगी। क्या होगी दोस्तों? जैसे ये पहला बल्ब है, ये दूसरा है, ये P1 है, ये P2 है, तो कुल पावर क्या हो जाएगी? 40 प्लस 60। तो दोस्तों इस केस में कुल पावर अपनी 100 वाट होगी समांतर, ठीक है। और तेज प्रकाश और कम प्रकाश की बात करें तो तेज प्रकाश और कम प्रकाश, तेज प्रकाश 60 वाट का देता है समांतर क्रम में, अधिक वाट का अधिक प्रकाश देता है, और कम प्रकाश 40 वाट का देगा, क्योंकि अगर प्रतिरोध की बात करें तो अधिक प्रतिरोध किसका होगा? 40 वाट का, तो वो करंट को रोक जाएगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, और कम प्रतिरोध होगा 60 वाट का, अर्थात 60 वाट का अधिक करंट लेगा और प्रकाश भी अधिक देगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपन श्रेणी की, तो श्रेणी में अपन को जब कोई डिवाइस लगी हो, और घरों में यही कनेक्शन होता है, घरों में दोस्तों डिवाइस समांतर में ही लगी रहती है, घरों में किस कनेक्शन में रहता है, डिवाइसों में समांतर में लगी रहती है। तो श्रेणी में दोस्तों अपन कुल पावर की बात करें, तो श्रेणी में कुल पावर निकालनी हो PT, तो PT हमेशा P1 P2 प्लस P1 प्लस P2 वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, अर्थात श्रेणी में हमेशा दो डिवाइस श्रेणी में लगी है और कुल पावर निकालनी है, तो दोनों के अगर समान मान की दो डिवाइस श्रेणी में है तो उनकी पावर आधी हो जाएगी। जैसे सपोज दैट ये दो 100 वाट के बल्ब श्रेणी में है, श्रेणी समांतर में है, 220 वोल्ट से जुड़ रहे हैं, ये श्रेणी में है, तो इनकी कुल पावर दोनों के मान में, दोनों में से किसी एक के मान के आधी हो जाएगी। तो कुल पावर कितनी हो जाएगी? दोनों में से एक का मान क्या है? 100। दोनों 100-100 के हैं, तो कुल पावर दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी? 50 वाट। अगर श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में दोनों के मान में से किसी एक के मान की आधी होती है, जब दोनों बल्ब समान मान के, अब ये समान के नहीं है, तो इसमें कुल पावर निकालेंगे तो 40 × 60 बटे 40 + 60 4×6=24 है ना, तो 2400 वाट बटे 60 और 40 100 वाट, तो 2 0 से 2 0 गई, तो इनकी पावर क्या निकलेगी दोस्तों? 24 वाट। कुल पावर क्या निकलेगी श्रेणी में? 24 वाट। अब बात होती है प्रकाशित की, तो तेज प्रकाश और कम प्रकाश, तो श्रेणी में और अधिक प्रतिरोध और कम प्रतिरोध, तो दोस्तों श्रेणी में तेज प्रकाश हमेशा कम वाट का बल्ब देता है, कम प्रकाश अधिक वाट का देता है, और अधिक प्रतिरोध किसका होता है? अधिक प्रतिरोध कम वाट का होता है, इसीलिए तेज प्रकाश देता है।
और कम प्रतिरोध किसका होगा, अधिक वाट के का। तो बेटा ये कुछ श्रेणी समांतर से जो कंफ्यूज क्वेश्चन थे आपके दिमाग में हमेशा संशय रखते हैं वो क्वेश्चन थे, आपसे कई बार पूछा जाता है 40, 60, 100, 200 या 100, 200, 300, 400 वाट के तीन बल्ब, चार बल्ब हैं तो कौन सा तेज प्रकाशित होगा। अगर श्रेणी में संयोजित है तो कम वाट का तेज प्रकाशित होगा, समांतर में संयोजित है तो हमेशा अधिक वाट का बल्ब तेज प्रकाशित होता है। और समांतर में कुल पावर सभी डिवाइसों की पावर के योग के बराबर होती है, जबकि श्रेणी में ऐसे निकालते हैं श्रेणी वाला पावर का फॉर्मूला लगता है। अगर श्रेणी में दो डिवाइस समान मान की जुड़ी हुई है तो उनकी कुल पावर किसी एक के मान के आधा होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पावर का टॉपिक और मैं आशा करता हूँ समझ खाया होगा, पावर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आपके समझ खाया होगा। इसके बाद अपन अभी एनर्जी करेंगे कंटिन्यू में नेक्स्ट क्लास में वीडियो नंबर 7 में दोस्तों।